अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो लास्ट में हमने वीडियो बनाई थी अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि जुलाई के महीने के अंदर लॉन्च होने थे, तो काफ़ी हद तक स्मार्टफोन लॉन्च भी हो गए और वीडियो को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था आप लोगों ने। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि अगस्त के महीने के अंदर लॉन्च होने हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन निकल के आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर कंपनी की तरफ से कोई ना कोई स्मार्टफोन हमें देखने को मिल रहा है जो कि शायद अगस्त के महीने के अंदर लॉन्च हो सकता है। तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, वीडियो मैंने छोटी बनानी है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पता ही, आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। बहुत ही कमाल का कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा टेक से रिलेटेड। हाँ, तो मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं गुरु राणा। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे चहेते ब्रांड इन्फिनिक्स के बारे में। एंट्री लेवल सेगमेंट और बजट लेवल कैटेगरी के अंदर ये स्मार्टफोन हमें काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है, क्योंकि और कोई स्मार्टफोन हमें इस सेगमेंट के अंदर कुछ ज़्यादा खास ऑफर नहीं करता। तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन जो है वो डोमिनेट करता हुआ नजर आता है। तो दो स्मार्टफोन और आपको इसी सेगमेंट के अंदर इस जो है वो इस कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। एक तो हमें देखने को मिल सकता है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 प्लस, काफ़ी ठीक ठाक किस्म का स्मार्टफोन निकल के आता है। मीडियाटेक का हीलियो A25 का चिपसेट देखने को मिलेगा, डुअल कैमरा इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। 17-18 हज़ार रुपये की प्राइस के अंदर ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है इन्फिनिक्स होट 9 प्रो। जी हाँ, इन्फिनिक्स होट 9 के बाद होट 9 प्रो भी हमें देखने को मिल सकता है। क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, हीलियो P22 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि रिवायत चलती आ रही है इन्फिनिक्स की। ये चिपसेट की तो जान ही नहीं छोड़ रहा है इन्फिनिक्स, तो यहाँ पर हमें ये वाला चिपसेट देखने को मिल सकता है। 4/64 का वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो ये दो स्मार्टफोन हमें इन्फिनिक्स की तरफ से देखने को मिल सकते हैं अगस्त के महीने के अंदर। तो भैया बात करें ओप्पो के बारे में, तो ओप्पो की तरफ से हमें ओप्पो रिनो 4 सीरीज देखने को मिल सकती है अगस्त के महीने के अंदर, और साथ हमें दो और स्मार्टफोन भी देखने को मिल सकते हैं ओप्पो ए सीरीज के हवाले से देखा जाए। तो यहां पर अगर बात करें ओप्पो रिनो 4 सीरीज की, तो ओप्पो रिनो 4 और ओप्पो रिनो 4 प्रो दो स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। ओप्पो रिनो 4 मोस्ट प्रोबेबली हमें रिलीज होता हुआ नजर आएगा स्नैपड्रैगन 720G के चिपसेट के साथ, और यह स्मार्टफोन हमें कुछ 70,000 के आसपास देखने को मिलेगा। और उसके अलावा बात करें ओप्पो रिनो 4 प्रो की, तो वो 765G के चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा, 1,00,000 क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। भैया ओप्पो, अगर 765G का चिपसेट आप 1,00,000 के बाहर पाकिस्तान के अंदर रिलीज करोगे, तो मेरे ख्याल से आप अपनी मार्केट जो थोड़ी बहुत बची है उसको भी गवा दोगे। 80,000 रुपए के अंदर, अगर अंदर 80,000 के नीचे अगर आप ये स्मार्टफोन जो लॉन्च करते हो 765G के चिपसेट के साथ, तो काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और दूसरा जो स्मार्टफोन है 720G के चिपसेट के साथ आप जो लॉन्च कर रहे हैं, वो आप तकरीबन कोई 60,000 लॉन्च करेंगे, क्योंकि आप लोग अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, कैमरे आप लोगों के अच्छे होते हैं, एमोलेड डिस्प्ले होता है, तो थोड़ा बहुत मार्जिन दे देते हैं आपको, जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा अहेड जाने की जो है वो इजाजत दे देते हैं। तो आपको ये स्मार्टफोन जो है वो अंडर 80,000 लॉन्च करना चाहिए ओप्पो रिनो 4 प्रो, और ओप्पो रिनो 4 जो है आपको अंडर 60,000 लॉन्च करना चाहिए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो देखते हैं ओप्पो हमारी कितनी बात सुनता है या नहीं सुनता। उसके अलावा ओप्पो की तरफ से हमें दो स्मार्टफोन और शायद देखने को मिल सकते हैं, ओप्पो A72 हमें देखने को मिल सकता है, और ओप्पो A12S भी शायद हमें देखने को मिल सकता है। कंफर्म नहीं है दोनों स्मार्टफोन, इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन हमें पर देखने को मिल सकता है। तो भैया ओप्पो अपने स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है अगस्त के महीने में, और वीवो ना करे तो ये कैसे हो सकता है? इसी कैटेगरी के अंदर हमें टक्कर देता हुआ नजर आएगा ओप्पो को वीवो के स्मार्टफोन। वीवो की सीरीज आने वाली है, वीवो X50 की सीरीज हमें अगस्त के एंड तक देखने को मिल सकती है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। वीवो X50 और X50 प्रो हमें देखने को मिल सकती है, जो कि काफी एक्साइटिंग किस्म की हमें जो है वो सीरीज देखने को मिल रही है। X50 प्रो में तो हमें गिम्बल कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि काफी एक्साइटिंग चीज होने वाली है। तो ये सीरीज हमें जो है वो डायरेक्टली कंपीट करती हुई नजर आएगी ओप्पो रिनो 4 सीरीज के साथ। तो देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर जो है वो निकल के आता है। पेन गिर गया है नीचे, बहरहाल दोनों की बड़ी खास जो है ना वो टक्कर होने वाली है। ये काफी जबरदस्त किस्म की सीरीज हमें देखने को मिलने वाली है ओप्पो और वीवो की तरफ से। और उसके साथ साथ वीवो की तरफ से हमें एक और स्मार्टफोन भी देखने को मिल सकता है, जो कि वाई सीरीज का है। कंफर्म नहीं है कौन सा स्मार्टफोन होगा, या वाई 50 हो सकता है या वाई 70 होगा, लेकिन वाई सीरीज का एक स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है अगस्त के महीने के अंदर। और भाई बात करें हमारे गुमशुदा ब्रांड ओनर की, तो यार ओनर की तरफ से भी हमें फाइनली दो स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। अब पता नहीं कौन से दो स्मार्टफोन होंगे, मिड रेंज सेगमेंट के या अपर मिड रेंज सेगमेंट के, हमें दो स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ओनर की तरफ से। और जब से यार ये गूगल वाला सीन हुआ है, तो बेचारे गुमसुम सा फिर रहा है ओनर, कुछ खास हमें जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। और मुझे तो तरस आता है यार हवावे और ओनर के ऊपर, जिस तरह की जो मार्केट है, अच्छी खासी मार्केट होती थी पाकिस्तान के अंदर हवावे की, लेकिन सारी मार्केट जो है वो इस वक्त बिल्कुल ही डाउन पड़ी हुई है।
तो भाई जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही है बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दें जल्दी से अभी, क्योंकि आगे हम लोग बात करने वाले हैं इस वक्त के पाकिस्तानी मार्केट के अंदर दो हॉट किस्म के जो ब्रांड हैं रियलमी और रेडमी, इन दोनों के हम स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं। जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियलमी के बारे में। तो रियलमी हर महीने कुछ ना कुछ हमारे लिए लेके आता है, तो अगस्त के महीने में भी हमें कुछ स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे रियलमी की तरफ से। सबसे पहले जो हमें स्मार्टफोन देखने को मिलेगा रियलमी की तरफ से वो होगा रियलमी C15। जी हाँ, Realme C11 तो हमारे पास जो है वो आ गया, अब Realme C15 की बारी है। तो काफी अच्छा स्मार्टफोन निकल के आ रहा है, वही MediaTek का ही जो G35 का चिपसेट होगा, लेकिन यहाँ पर हमें काफी इंप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग किस्म का ये स्मार्टफोन होने वाला है। तो देखते हैं ये अगस्त के अंदर जो हमें शुरू के दिनों में ही जो है वो देखने को मिल जाएगा Realme C15। तो काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन निकल के आ रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो Realme का फ्लैगशिप स्मार्टफोन Realme X3 Pro हमें देखने को मिल सकता है। कंफर्म नहीं है, चांसेस है ये स्मार्टफोन हमें जो है वो अगस्त के महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है Realme की तरफ से, लेकिन 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 यहां पर हमें जो है वो IPS का पैनल देखने को मिलेगा। अब फ्लैगशिप में भी यार AMOLED नहीं दोगे तो Realme यार गालियां ही खाओगे आप। उसके बाद Realme की तरफ से हमें जो है वो दो स्मार्टफोन और देखने को मिल सकते हैं। एक तो Realme 6s कंफर्म है, ये स्मार्टफोन आपको शुरू के हफ्ते के अंदर ही देखने को मिल जाएगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग किस्म का स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है Realme 6 जैसी, ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन सेम है, लेकिन हमें कैमरा के अंदर थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है, 48 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है Realme की तरफ से, कंफर्म नहीं है, कुछ 20-30% चांस है स्मार्टफोन के रिलीज होने के। ये स्मार्टफोन जो है वो Realme V5 है। ये स्मार्टफोन मेरे ख्याल से आपको अगस्त नहीं अक्टूबर के महीने के अंदर देखने को मिलेगा, तो शायद ये स्मार्टफोन जल्दी भी आ सकता है। तो इस स्मार्टफोन का ना वो कन्फ्यूजन सी है, Realme V5 हमें जो है वो मेरे ख्याल से तो अक्टूबर के अंदर आएगा, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ चांसेस हैं कि इस महीने में भी जो 5% के करीब चांसेस हैं कि रिलीज हो सकता है Realme V5, और ये स्मार्टफोन हमें जो है वो Realme 7 की शक्ल में भी देखने को मिल सकता है। तो Realme 7 या Realme V5 कुछ इस तरह का कुछ मिक्सर सा हमें देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा ख्याल से ये अक्टूबर के अंदर आएगा, लेकिन थोड़े बहुत चांस हैं, ये थोड़े से बिल्कुल चांस हैं कि ये स्मार्टफोन हमें जो है वो शायद अगस्त के अंदर देखने को मिल जाए। तो अब बात कर लेते हैं आप सबके चहेते ब्रांड Redmi की। तो Redmi की तरफ से भी हमें कुछ स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, Xiaomi की तरफ से भी एक आधा स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले Redmi की बात करते हैं, तो Redmi की तरफ से हमें जो सबसे पहला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा अगस्त के महीने के अंदर वो है Redmi 9C। जी हाँ, Redmi 9A तो लॉन्च हो गया, Redmi 9C हमें अगस्त के बिल्कुल स्टार्ट में देखने को मिल जाएगा ईद के फौरन बाद। तो ये स्मार्टफोन जो है वो आने वाला है Realme C11 को टक्कर देता हुआ ये स्मार्टफोन जो है वो नजर आएगा। इनके दरमियान मैंने कंपैरिजन भी किया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई कार्ड के अंदर जो है वो डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वो कंपैरिजन जरूर देख लीजिएगा। काफी हद तक बहुत ही सिमिलर किस्म के ये दोनों स्मार्टफोन होने वाले हैं, तो अच्छी टक्कर देता हुआ नजर आएगा। तो और ये एक और चीज भी हमें देखने को मिल सकती है, शायद ये वाला स्मार्टफोन हमें पोको C3 के नाम से भी देखने को मिल जाए, तो लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा चांस नहीं है, ज्यादातर हमें जो है वो Redmi 9C के नाम से ही देखने को मिलेगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कहीं से कि पोको C3 के नाम से भी ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में शायद आ जाए, लेकिन पाकिस्तान में Redmi 9C के नाम से ही आएगा मेरे ख्याल से। तो उसके बाद बात करें तो Redmi Note 10 की सीरीज चाइना के अंदर रिलीज होने जा रही है, पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी, आपको मैं पहले ही कंफर्म कर देता हूँ, कमेंट्स में ये ना पूछने लग जाना कि पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा, पाकिस्तान में तो अभी काफी देर है, लेकिन चाइना के अंदर जो है Redmi 10 की जो सीरीज है वो लॉन्च होने जा रही है, अगस्त के अंदर जो है वो लॉन्च हो जाएगी। Dimensity 820 का चिपसेट जो है वो उसके अंदर यूज किया गया है Redmi 10 सीरीज के अंदर, काफी इंटरेस्टिंग किस्म के वो स्मार्टफोन होंगे, पाकिस्तान में तो बाद में आएंगे, लेकिन चाइना के अंदर जो है वो रिलीज होने जा रहे हैं Redmi 10 के जो स्मार्टफोन है जो सीरीज है उसके आ रही है। उसके अलावा Xiaomi की तरफ से हमें Xiaomi का A4 देखने को मिल सकता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, काफ़ी जो है वो आंख मचोली हमारे साथ लगाई हुई है इसने, लास्ट जो मंथ की जो वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि रिलीज़ होगा लेकिन नहीं हुआ, इस महीने में भी कह रहा हूँ कि अगस्त के अंदर रिलीज़ होगा, तो इस महीने थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं रिलीज़ होने के। स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट हमें देखने को मिलेगा, यार कोई भी स्मार्टफोन आने वाला होता है उसके कुछ ना कुछ लीक्स वगैरह हमें देखने को मिलती हैं, इधर ये वाहिद स्मार्टफोन है जिसकी कोई लीक देखने को नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन सुनने को ये मिल रहा है कि ये स्मार्टफोन जो है वो रिलीज़ होगा। तो देखते हैं अगस्त के अंदर ये किस हद तक जो हमें आता भी है कि नहीं आता, तो काफ़ी हद तक मेरे चांसेस तो हैं कि ये स्मार्टफोन अगस्त के अंदर रिलीज़ हो जाएगा, ओप्पो Xiaomi की तरफ से जो A4 है वो रिलीज़ हो सकता है। तो लास्ट के अंदर जो हमारे पास ब्रांड निकल के आता है वो है सैमसंग का, और सैमसंग अगस्त के महीने के अंदर धमाल करने वाला है, 5 अगस्त को अनपैक्ड इवन होने जा रहा है सैमसंग का, और यहाँ पर हमें दो तरह के स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, एक तो हमें नोट 20 की सीरीज़ देखने को मिलेगी, प्रीमियम किस्म की जो है ये सीरीज़ होने वाली है, उसके बाद हमें जो है वो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 देखने को
को मिलेगा, ये भी प्रीमियम से भी कोई ऊपर की चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है ये। बहरहाल ये दोनों चीज़ें हमें जो है वो अनपैक्ड इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान के अंदर भी ये स्मार्टफोन जल्दी लॉन्च होंगे, मेरे ख्याल से कोई 15 तारीख तक जो है वो इनकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और अगस्त के एंड तक जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ये दोनों स्मार्टफोन तो रिलीज होने जा रहे हैं, उसके अलावा हमें कुछ देखने को मिल सकता है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A71 का एस एडिशन हमें देखने को मिल सकता है और या फिर हमें A51 का एस एडिशन देखने को मिल सकता है। इन दोनों में से कुछ एक हमें जो है वो स्मार्टफोन अगस्त के महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो के लिए भैया इतना ही, बहुत ज़्यादा हमें जो है वो मेहनत करनी पड़ी है, चुन चुन के स्मार्टफोन निकालने पड़े हैं, तो इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको जो है वो इस चैनल के ऊपर देखने को मिलता रहेगा। लाइट भी निकल गई है और मैं भी निकलता हूँ। दिस इज सैफराना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।